नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल, रॉयल राहुल इज इंडियन से। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को माफी मांगता हूं कि मैं 2-3 महीने तक कुछ वीडियोस नहीं बना पाया, क्योंकि हेल्थ केयर प्रोफेशन में होने के कारण मैं थोड़ा सा बिजी था और हमारा देश जो था वो बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा था। मेरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया इससे परेशान थी और मुझे लगता है अब धीरे धीरे हम उस पर विजय पा देंगे। हमारे पास भले कोविड के पेशेंट बढ़ रहे हों, बट इंडिया में उनका ट्रीटमेंट बाकी देशों की अपेक्षा बहुत अच्छा हो रहा है। और ये बोलना ठीक नहीं है कि हमारे देश की टेक्नोलॉजी और दवाइयों जो है उतनी अच्छी नहीं है। हमारे पास हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके हम लोगों ने बहुत अच्छी सर्विस दी है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही इंडिया पूरे वर्ल्ड को वैक्सीन प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं वापस अपना पॉइंट जो कि है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, तो वापस आते हैं। तो सबसे पहले मैं आज एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट जो मुझे सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि 30,000 रुपीज इंसेंटिव एक स्टेट जो है वो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, बाइक्स, स्कूटर्स और ट्राइसिकल्स के लिए दे रही है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और उसके बाद 1.5 लाख रुपए तक इंसेंटिव जो है वो कार्स पे दे रही है। जी हाँ, दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, केजरीवाल जी ने, कि उनको जो है 1.5 लाख रुपए इंसेंटिव कार पे देना है और लगभग 30,000 इंसेंटिव जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और बाइक पे देना है। उनका एक ही सपना है कि 2025 तक जो है लगभग 25% व्हीकल जो कि रोड पे हो इलेक्ट्रिक हो, क्योंकि हमारे दुनिया को जो है और हमारे देश को बचाने के लिए पॉल्यूशन कम करना बहुत जरूरी है। इसके लिए ये जो कोरोना और ये सब जो बीमारियां आती है ये अपने नेचर जो है इसीलिए करती है कि वो अपने आप बैलेंस कर सके, क्योंकि हम इंसान नहीं कर सकते। आपको मालूम होगा कि बादल क्लियर हो गए हैं, कई पहाड़ी एरियाज में दूर दूर तक क्लियर दिखता है, गंगा का, हरिद्वार का पानी जो है स्वच्छ हो गया है। तो ये सब जो है वो नेचर खुद ही करती है, लेकिन इसीलिए इसका बहुत परिणाम भुगतना पड़ता है। इसीलिए ये बहुत अच्छा स्टेप है, मैं उनको कांग्रेचुलेशन और थैंक यू बोलता हूं। और मैं चाहता हूं कि बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स भी इस पे एक्शन ले। और सबसे पहले मैं मुंबई को भी बोलना चाहता हूं कि मुंबई में भले दिल्ली जितना पॉल्यूशन नहीं है बट वो होने में टाइम नहीं लगेगा, तो हमको भी इसके ऊपर कुछ करना चाहिए और मुंबई में इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोट करना चाहिए। केजरीवाल जी ने लो इंटरेस्ट पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को देने के लिए प्रावधान बनाया है, जिसमें इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, थ्री व्हीलर एंड कार्स को, इवन कॉमर्शियल व्हीकल्स को आपको लो इंटरेस्ट में मिलेगा। इसके लिए उन्होंने एक ईवी सेल डेवलप कर रहे हैं। ईवी सेल यानी बैटरीज वाले सेल नहीं है, एक टीम रहेगी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में देखेगी, उनको मॉनिटर करेगी और उनके उनके फेवर में काम करेगी। ये बहुत अच्छी चीज है, कम से कम कोई डिपार्टमेंट रहेगा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मॉनिटर करे। उसके बाद 200 चार्जिंग स्टेशन दिल्ली गवर्नमेंट बना रही है, हर 3 किलोमीटर पे एक चार्जिंग स्टेशन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कुछ लिमिटेशन होते हैं और ये जो है उस लिमिटेशन को दूर कर देगा। उसके बाद बहुत ही बड़ा चीज उन्होंने अनाउंस किया है कि पुराने कार जो है आपके पास, डीजल, पेट्रोल, जिसको आप एक्सचेंज करके नई गाड़ियां ले रहे हो, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेते हो तो आपको बहुत अच्छा इंसेंटिव मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 20-30% आपको इंसेंटिव मिल सकता है, यानी अगर आप 10 लाख की गाड़ी ले रहे हो तो 2-3 लाख रुपए डायरेक्ट आपको डिस्काउंट, इवन आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लगेगा और बहुत सारी ऐसी चार्ज चीजें हैं। यानी अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कंपेयर करते हो तो जो दिल्ली गवर्नमेंट ने प्लान स्टार्ट किया है, जो जल्दी इंप्लीमेंट करेंगे, उसमें आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है पेट्रोल व्हीकल के कॉस्ट में आ जाएगा। और आपको बता दूं कि फिलहाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक ही बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था कि उसका कॉस्ट, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो सेल रहते हैं वो महंगे आते हैं और उनकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती थी। इसका मेन कारण था हमारा जो पड़ोसी देश है, जिसको हम दोस्त नहीं बोल सकते, दुश्मन नहीं बोल सकते, बट इस टाइम वो दुश्मन ही है, चाइना। क्योंकि हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजीज आ रही थी ईवीज की, वो सब मोस्टली चाइना से आ रहे थे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थे। बट आज के डेट में आपको बताया जाए कि बहुत सारी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बैटरीज की चालू हो गई है, एक्साइड है, लिथीमैक्स है, हाई पावर है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंपनियां हैं जिन्होंने बैटरीज इंडिया में बनाने चालू कर दिए हैं और उसके रॉ मटेरियल कोरिया, जापान और रशिया से आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही था लोगों को कि भाई इंडिया में जो उसके सेल्स हैं वो बनते नहीं है लिथियम के, तो हम कैसे आगे काम करेंगे। और लिथियम सेल जो है वो फ्यूचर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, क्योंकि लीड एसिड के कुछ लिमिटेशन है। लीड एसिड की बैटरी हम स्कूटर्स में यूज कर सकते हैं बट उसकी लाइफ ज्यादा नहीं है। मैं खुद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मेरे पास 2 है, एक में लिथियम है, एक में लीड है। लिथियम वाला मेरा 3 साल के ऊपर हो गया, अभी तक अच्छा चल रहा है, बट लीड एसिड वाली जो मेरी थी वो मेरी मुझे लगता है
13 महीने में 14 महीने में मेरी बैटरी खराब हो गई। तो जो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप होगा तो इसमें इफेक्ट आएगा। जैसे आपको बता दिया जाए कि हुंडई की कोना आती है जो कि 25 से 28 लाख रुपए की गाड़ी है, तो वो एक कॉमन आदमी अफोर्ड नहीं करेगा, और जो उसको अफोर्ड करेगा उसको पैसे बचाने और इन्वायरमेंट के बारे में मुझे लगता है कोई सोचने की जरूरत है। तो जब तक ये आम पब्लिक के कॉस्ट में नहीं आएगी तब तक लोग इसको खरीदेंगे नहीं। तो मैं इसके लिए बहुत अच्छा थैंक यू बोलना चाहता हूँ टाटा को, रतन टाटा जी ने, जिसने कोविड की सिचुएशन में 1500-2000 करोड़ रुपए देके लोगों को मदद किया। आज भी उनके बड़े बड़े होटल्स डॉक्टर्स के लिए और स्टाफ के इमरजेंसी वर्कर के लिए फ्री है रहने के लिए। तो ये जो सब चीज कर रहे हैं इसके पीछे उनको इन्वायरमेंट भी सोचते हैं, रतक लाइफ होती है। उसके बाद टाटा की और एक चीज मैं बता दूं जो बहुत लोगों को मालूम नहीं है, मेरे हिसाब से टाटा अकेली गाड़ी है जो आरएसए रोड साइड असिस्टेंट 15 साल तक देती है गाड़ी की लाइफ टाइम तक। बाकी कंपनियां 4-5 साल तक देती है, कोई 8 साल तक देती है, क्योंकि उनको लगता है इसके बाद गाड़ी पुरानी हो गई है तो खराब होगी ही। बट नहीं, टाटा का जो जिप्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है बहुत अच्छा है। उसके बाद एक स्ट्रॉम करके कंपनी है, उनका स्ट्रॉम R3 करके गाड़ी आ रही है, बहुत अच्छी गाड़ी लगी मुझे, छोटी गाड़ी लगी, जो लोग सिटीज में यूज करते हैं ट्रैफिक वाले एरिया में और बड़ी बड़ी गाड़ी लेके जाते हैं, अगर उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल में स्विच होना है तो लगभग 4-5 लाख में ये गाड़ी लॉन्च हो रही है। मुझे लगता है बहुत अच्छी गाड़ी है, इनका 100-200 किलोमीटर का रेंज रहेगा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसमें 2-3 बैटरी के ऑप्शन रहेंगे। तो मुझे, मेरे हिसाब से ये जो कुछ चेंजेस हो रहे हैं ये बहुत अच्छा है और ये जल्दी से जल्दी अपने को इफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहली बड़ी बात है कि हम लोग चाइना पे डिपेंडेंट नहीं है अभी, क्योंकि ईवी इंडस्ट्री जो था वो इमर्जिंग था और चाइना ने जो किया है उसके कारण उसको बहुत इफेक्ट पड़ रहा था। बट ये नहीं होगा क्योंकि हमारी गवर्नमेंट और हमारे लोग जो हैं वो चाइना को बाइकआउट करना चाहते हैं, बट ये एक दिन में नहीं होगा, ये हम सब जानते हैं। तो ये धीरे धीरे होगा, लेकिन हमको आज से उनके ऊपर जो है पर्याय ढूंढना पड़ेगा। अगर हम लोग आज ढूंढते हैं कि भाई चाइना का ऑप्शन क्या है तो धीरे धीरे काम होगा। अभी इंडिया में सैमसंग बनाने लगी है, एप्पल कंपनी बना रही है, तो अभी कैसा है जो मोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग है जो कि पूरा बिजनेस चाइना में था, इंडिया में अभी बहुत सारे कंपनीज बनाने लगे हैं। तो धीरे धीरे हमारी डिपेंडेंसी कम होगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो इंडिया में ब्लूम कर रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर हर एरिया में काम कर रहे हैं। तो ये अपने लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वो लोकल एरियाज में बिजनेस कर रहे हैं, असेंबलिंग करके वहां गाड़ियां बेच रहे हैं और वहीं सर्विस दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। धीरे धीरे क्या होगा कि इससे मार्केट बढ़ेगा, लोगों को सस्ते कस्टमर्स भी हैं, जैसे कुछ ब्रांडेड गाड़ियां हैं जो कि 1 लाख 1.5 लाख 1.75 लाख तक आते हैं। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कैसा है कि वो अगर रेट उसका रिजनेबल होगा तो लोग यूज करेंगे। आज भी लेड एसिड की गाड़ियां बहुत अच्छी चलती हैं रूरल एरियाज में, वहां लोग यूज करते हैं, बट जिसको ज्यादा लाइफ हाई परफॉर्मेंस चाहिए वो लिथियम आयन में ले रहे हैं, तो सिटीज वगैरह में वो बहुत अच्छा चलता है। तो बस यही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज फ्यूचर, इस पे हमको काम करना चाहिए, अपने एनवायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए, पॉकेट फ्रेंडली होता है। आप अगर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर ले लेते हैं, मान लीजिए आप लिथियम भी ले रहे हो, अगर 1 लाख रुपए तक स्कूटर है तो आप अगर 5 साल उसको चला लिए तो आपका जो पेट्रोल का पैसा रहेगा उतने पूरी गाड़ी आपकी निकल जाती है, इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होता है। तो अच्छा, दोस्तों से आशा करता हूं सबसे कि मेरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा। प्लीज पसंद आया रहेगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया रहेगा तो, और इसको शेयर करिए जिसको इसकी जरूरत हो। नमस्कार, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक यू।